पड़ी होगी कि गोल घेरा बंद आकृति को वृत्त बोलते हैं। इस प्रकार से गोल घेरा बंद आकृति जो होती है उसको वृत्त बोलते हैं। ये है वृत्त, इसके बीच में एक शिखर बिंदु होता है, इसे वृत्त बोलते हैं। छोटी क्लासों में आपने ये परिभाषा पढ़ी होगी, गोल घेरा बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। जो साफ चित्र देखने पर ही दिखाई दे रही है कि एक तो ये गोल है और एक ये घेरे के रूप में बंद है, तो गोल घेरा बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी जो हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं वो ये है कि ये ब्लैक ये बोर्ड जो है वाइट बोर्ड, ये एक समतल है, वृत्त समतल आकृति पर बनता है। ये एक समतल है, समतल बोर्ड है ये, और ये एक शिखर बिंदु है। और इससे समान दूरी पर ये कोई एक निश्चित दूरी पर ये कोई एक गतिमान बिंदु है। इस गतिमान बिंदु पर प्रतिबंध ये है कि इसको इस प्रकार गति करनी है कि इसकी दूरी इस शिखर बिंदु से हमेशा समान रहे, तो वो ऐसे ही घूमेगा चारों ओर। तो परिभाषा ये बनती है कि समतल में शिखर बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये जो घेरा बनता है ये बिंदुओं का समुच्चय होता है। तो समतल में शिखर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि समतल में शिखर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। तो परिभाषा लिखें तो वृत्त की परिभाषा कि वृत्त किसे कहते हैं, तो समतल में एक शिखर बिंदु से समान दूरी पर स्थित गतिमान बिंदु के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। ये वृत्त की परिभाषा है जो दसवीं क्लास में लगती है। ये जो परिभाषा है अगर ये याद न हो किसी के तो ये भी लिख सकते हैं कि गोल घेरा बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। बाकी अगर दसवीं क्लास के लेवल पर परिभाषा लिखें तो ये लिखनी होती है कि समतल में एक शिखर बिंदु से समान दूरी पर स्थित गतिमान बिंदु के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। बाकी अब बात आ गई कि बिंदुपथ एक नया शब्द आ गया है बच्चों के लिए कि बिंदुपथ क्या होता है, तो ये दसवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये मैं प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ, पंद्रहवीं प्रश्नावली है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। कक्षा 10 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये तो परिधि होती है इसकी, ये चारों ओर का जो घेरा है ये तो परिधि कहलाती है। ये जो अंदर का भाग है इसका, ये पूरा का पूरा ये इसका क्षेत्रफल होता है। ये इसका बाह्य भाग या बहिर्भाग कहलाता है वृत्त का। ये जो बाहर का भाग है ये बहिर्भाग है, ये मान लो चारों ओर जो खाली पड़ा है ये बहिर्भाग है। ये वृत्त का अंतः भाग है और ये वृत्त की परिधि है, इसको बोलते हैं परिधि। चारों ओर का जो घेरा है इसको परिधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। तो ये बाह्य भाग, ये अंतः भाग, ये वृत्त की परिधि, ये केंद्र जिसको शिखर बिंदु है इसका नाम होता है केंद्र।
केंद्र बोलते हैं इसको, और ये जो केंद्र से प्रीति के बीच में जो दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से प्रीति के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। व्रत में और भी कई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, परिभाषाएं फिर लिखाएंगे। व्रत के अंदर केंद्र से प्रीति के बीच में जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, इसका नाम त्रिज्या होता है। केंद्र से प्रीति तक की दूरी को व्रत की त्रिज्या बोलते हैं। अगर व्रत की प्रीति के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, ये आपको बताया कि अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है ये घेरा, इस पर मान लो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खींचते हैं तो इसका नाम जीवा होता है। परिभाषा इसकी है कि व्रत की प्रीति के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है, और जीवा के अलावा ये जीवा जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ती जाती है ये भी प्रीति के दो बिंदुओं को मिला रही है, ये भी प्रीति के दो बिंदुओं को मिला रही है, ये जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ती है वैसे वैसे ये जीवा बड़ी होती जाती है। देखिए ये केंद्र से ज़्यादा दूर है तो छोटी है, फिर थोड़ी नज़दीक आई केंद्र के बड़ी हो गई, फिर थोड़ी और नज़दीक आ गई तो और बड़ी हो गई, फिर थोड़ी और नज़दीक आ गई तो और बड़ी हो गई, और ये बिल्कुल केंद्र के बीच में आ गई तो ये सबसे बड़ी जीवा हो गई। अब आगे फिर घटनी शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे ये बढ़नी शुरू हुई थी केंद्र के बाद में प्रीति की तरफ जाएगी तो फिर घटनी शुरू हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है। एक नया प्रश्न है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है। दूसरा इसी में एक परिभाषा और आती है कि व्रत की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह व्रत का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर एक तो व्यास की परिभाषा हो गई कि केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा व्रत का व्यास कहलाती है, एक त्रिज्या की परिभाषा हो गई कि केंद्र को प्रीति से मिलाने वाली रेखा व्रत की त्रिज्या कहलाती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि केंद्र और प्रीति के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्या कहलाती है, और एक हो गई जीवा कि व्रत की प्रीति के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। नंबर दो तीन जीवा व्रत की प्रीति के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। नंबर तीन व्यास वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती हो व्यास कहलाती है।
या वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। अन्य भी कुछ बातें हैं वर्त के अंदर, देखें। ये तो हो गई सिर्फ तीन बातें। एक तो वर्त किसे कहते हैं कि समतल में शिखर बिंदु से समान दूरी पर स्थिर गतिमान बिंदु के बिंदु पथ को वर्त कहते हैं। दूसरी हो गई केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये परिधि कहलाती है। चारों ओर का घेरा ये केंद्र है, केंद्र और परिधि के बीच में जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। और तीसरी कि वर्त की परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाएं वो जीवा कहलाती हैं। ये सारी की सारी जीवा हैं। ये सारी मैंने इसलिए खींची हैं कि ये आप देखिए जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगी बड़ी होती जाएंगी, जैसे जैसे केंद्र से दूर होती चली जाएंगी छोटी होती जाएंगी, और केंद्र के अंदर से जो जीवा गुजरेगी वो वर्त को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि वह जीवा वर्त का व्यास कहलाती है। इसीलिए लिखा है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा ही वर्त का व्यास कहलाती है। आगे देखें, अब वर्त के कुछ टुकड़े और हो जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वर्त है, वर्त के अंदर मैं दो त्रिज्या डाल दूंगा जॉइंटेड, इस प्रकार का भाग। इस भाग का क्या नाम है और इसकी परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर दो त्रिज्या हो गई और एक ये हो गया चाप। सबसे पहले तो ये देखें कि बनता किन से है ये भाग। दो त्रिज्या हैं और एक चाप है और इसका नाम होता है त्रिज्याखंड। तो परिभाषा हो गई कि दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए बंद क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब बात आती है, इनके आगे नाम आते हैं लघु और दीर्घ की, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये देखे जाते हैं यहाँ पर कोण को देख करके। अगर कोण 180 डिग्री से छोटा होगा जब तक, तब तक तो ये लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, और 180 डिग्री से बड़ा कोण हो जाएगा, जैसे इस साइड का कोण नापेंगे तो बड़ा होगा, तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड परिभाषा दोनों की एक ही है, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए बंद क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। डिग्री माप 180 से छोटा है तब लघु त्रिज्याखंड है, 180 से बड़ा है जैसे नीचे वाला 60 का है तो ऊपर वाला हो जाएगा 300 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनते हैं। अगर ये 60 का है तो ये 300 का बचेगा ऊपर का कोण, तो फिर इसका मान तो हो गया 180 से बड़ा। तो